गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेस्पिरेशन के ऊपर है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, उसका जो पहला चक्कर है, पहला जो स्टेप है, पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस, उसको कंप्लीट कर लिया था। और आज अपने रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस का जो द्वितीय चक्कर है, सेकंड जो प्रोसेस है, वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर। बच्चों, इसका रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो द्वितीय स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, यह कहाँ पर होता है? फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए जो है यह कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर अपने एक सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग जानते हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है, यह क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दोहरी कला का आवरण मिलता है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, दोहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है, डबल है ऐसे, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसको क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और उस स्पेस के अंदर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर एसिटिल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है। एसिटिल कोएंजाइम ए वहां पर बनता है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए जो इसकी निर्माण है, इसको अपने और क्या बोल सकते हैं? लिंक रिएक्शन। यह दो रिएक्शन को आपस में जोड़ने का काम भी करता है, और इसको गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। ये इसके अदर कॉमन नेम है, ठीक है। तो बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आपने क्या देखा कि ग्लूकोज का जो एक मोल है, ग्लूकोज का जो एक मोल है, उसका ऑक्सीडेशन होकर ग्लूकोज के एक मोल से पाइरूविक एसिड के दो मोल बनते हैं। ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 है, और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो पाइरूविक एसिड के दो मोल बनते हैं। पाइरूविक एसिड के एक मोल के अंदर एक कार्बन है, सॉरी तीन कार्बन है, तो दो मोल बनते हैं। तो वापिस क्या है, 6 यहाँ कार्बन की संख्या आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर कार्बन का लॉस नहीं होता। अब जो पाइरूविक एसिड है, जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है पाइरूविक एसिड, ठीक है। अब पाइरूविक एसिड का आगे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और ऑक्सीडेशन यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसको ऑक्सीजन ना मिले, अगर पाइरूविक एसिड को ऑक्सीजन ना मिले, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंट में अगर होता है, तो अल्कोहल बनती है, फर्मेंटेशन होता है, एनोरोबिक रिएक्शन जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, तो फिर क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा। एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा तो क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। तो बच्चों, एसिटिल कोएंजाइम ए है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, यानी रिलीज होती है, ठीक है। और यह एसिटिल कोएंजाइम कहाँ चलता है, या एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ पर बनता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया की जो डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटिल कोएंजाइम ए की स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन की संख्या इसमें कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब बच्चों, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। मैंने आपको बताया कि एसिटिल कोएंजाइम ए दो रिएक्शन, दो चक्कर को आपस में जोड़ने का काम करता है, किसको, ग्लाइकोलाइसिस और किसको, क्रेब साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच की योजक कड़ी है क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल के साथ जोड़ने का काम करता है
क्या, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। जब पाइरूविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगी तो एसिटिल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होगी, एसिटिल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली क्या होगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो इसलिए एसिटिल कोएंजाइम ए आल्सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट, जब यह रिएक्शंस चलती हैं पाइरूविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है तो इसमें क्या होता है, डीकार्बोक्सीलेशन होता है और इसके साथ डीहाइड्रोजनेशन भी होता है। ठीक है, इसको अपने जब क्रेब्स साइकिल साइकिल को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसका डीकार्बोक्सीलेशन होता है और कैसे इसका डीहाइड्रोजनेशन होता है। बच्चों, पाइरूविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनने के लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ एंजाइम्स की भी आवश्यकता होती है और इनको क्या बोलते हैं, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, एसिटिल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज से, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या बनता है, पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो एसिटिल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है। जब एसिटिल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो जाती है डेफिनेटली यहाँ फिर क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो अब अपने बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल के अदर कॉमन नेम है TCA, टी स्टैंड फॉर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, TCA शॉर्टकट में इसको TCA बोलते हैं। ठीक है, और अदर कॉमन नेम है साइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, इसको साइट्रिक एसिड क्यों बोलते हैं या ट्राइकार्बोक्सिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो साइट्रिक एसिड है। सबसे पहले बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है योगी, क्या है, साइट्रिक एसिड, एक ट्राइकार्बोक्सिक एसिड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखो कि एसिटिल कोएंजाइम ए को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करके विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प से साइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। जब साइट्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है तो क्रेब्स साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, TCA, TCA स्टैंड फॉर ट्राइकार्बोक्सिक एसिड। तो अगर इसकी खोज की बात करें कि क्रेब्स साइकिल की सबसे पहले खोज किसने की, डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब इन 1937। क्रेब्स चक्र को सबसे पहले किसने खोजा था, हैंस क्रेब एक साइंटिस्ट था, 1937 के अंदर इसने इस साइकिल की खोज की और 1953 के अंदर इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनको नोबल प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, इस कार्य के लिए 1953 के अंदर हैंस क्रेब को नोबेल प्राइज मिला, ये आप बात ध्यान में रखना। अब इसकी जगह की बात करते हैं कि जो क्रेब साइकिल है एक सेल के अंदर कहाँ चलता है। ठीक है, तो एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर जो क्रेब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चलता है। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड द्रव भरा रहता है आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि इसको चलने के लिए डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इसको ईजी से अवेलेबल हो जाते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स हैं, क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर बनते हैं, उपलब्ध रहते हैं। इसी कारण जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कहाँ से होता है, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड कैसे बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राइकार्बोक्सिक एसिड यानी साइट्रिक एसिड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको TCA भी इसको बोलते हैं या इसको साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो बच्चों, ये था इसकी हिस्ट्री के बारे में।
और नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्रेब साइकिल को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।